हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताऊंगी। चंद्रमा की आंतरिक संरचना कैसी है, चंद्रमा पर भेजे गए मून मिशंस की जानकारी दूंगी, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो जानेंगे इसके बारे में, सो लेट अस स्टार्ट। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं प्रकाशित होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह की उपमा दी गई है। इसके संगठन तथा संरचना का अध्ययन सेलेनोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 374,403 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/6 भाग है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिन 12 घंटे में पूरा करता है और यह अपने अक्ष पर भी 29 दिन 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या एक ही फेस हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्र दशा लगभग हर 29 दिनों में बदलती है। आकार के हिसाब से पृथ्वी के सापेक्ष यह सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 भाग है। बृहस्पति के उपग्रह लू के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। समुद्री ज्वार और भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही आते हैं। चंद्रमा की कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है, इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59वां भाग दिखता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अंतरिक्ष में मानव सिर्फ चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। सोवियत राष्ट्र का लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, लेकिन लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा पर उतरा था। सन 1968 में केवल नासा के अपोलो कार्यक्रम ने उस समय मानव मिशन भेजने की उपलब्धि हासिल की थी और पहली मानव युक्त चंद्र परिक्रमा मिशन की शुरुआत अपोलो 8 के साथ की गई थी। सन 1969 से 1972 के बीच 6 मानव युक्त यान ने चंद्रमा पर कदम रखा, जिसमें से अपोलो 11 ने सबसे पहले कदम रखा था। इन मिशनों के दौरान चंद्रमा की 380 किलोग्राम से ज़्यादा मिट्टी धरती पर लाए, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना के गठन और उसके बाद के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सके। चंद्रमा की मिट्टी के अध्ययन से पता चला है कि करीब 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर हुआ, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन चंद्रमा पर सबसे पहले उतरे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास व अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। 19 जुलाई 1969 को मेरिट आइलैंड में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 से उड़ान भरने वाला अपोलो 11 नासा के अपोलो अभियान का 5वां मानवीय मिशन व 3रा चंद्र अभियान था। इसके कर्मी दल के रूप में आर्मस्ट्रांग कमांडर व एल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल पायलट और माइकल
कॉलिंग कमांडर मॉड्यूल पायलट थे। इनमें से माइकल कॉलिंग कभी भी चंद्रमा पर नहीं उतरे थे। भारत का चंद्रयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा एक विभेदित निकाय है। चंद्रमा के तीन भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। चंद्रमा का 240 किलोमीटर त्रिज्या का लोहे की बहुलता युक्त एक ठोस भीतरी कोर है और इस भीतरी कोर का बाहरी भाग मुख्य रूप से लगभग 300 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ तरल लोहे से बना हुआ है। कोर के चारों ओर 500 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ एक आंशिक रूप से पिघली हुई सीमा का परत है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर मौसमी तत्व जैसे बादल, वर्षा तथा कुहासा आदि का अभाव पाया जाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन 12 घंटे तथा 44 मिनट में एक परिभ्रमण पूरा कर लेता है। इस अवधि को चंद्रमास कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक खगोलीय स्थिति में परिवर्तन के कारण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने वाले चंद्रमा के धरातल का क्षेत्रफल बदलता रहता है, जिसे चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। ब्लू मून पूर्णिमा के दिन घटित होने वाली एक घटना है, जो एक ऋतु के चार पूर्णिमाओं में से तीसरी या फिर कैलेंडर के अनुसार एक महीने के दूसरी पूर्णिमा की रात को प्रकट होने वाला सूर्य ब्लू मून होता है। यदि कैलेंडर में एक महीने में दो पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा को ब्लू मून कहते हैं। सुपर मून एक खगोलीय घटना है, जिसमें चांद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी स्थिति में आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चांद सामान्य दिखने वाले आकार से अधिक बड़ा दिखाई देता है, जिसे सुपर मून कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको चांद की संरचना से लेकर अपोलो 11, चंद्रयान, ज्वारभाटा और ब्लू मून के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।